महादेव ऐप मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ईडी ने जांच में पाया है कि फरार आरोपी सौरभ चंद्राकर ने भारत के अलावा पाकिस्तान में भी अपनी बेटिंग का कारोबार शुरू किया था। वहीं महादेव ऐप से जुड़ी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी पर ईडी ने मुंबई और दिल्ली में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां से 2.5 करोड़ रुपए वसूले गए। जो मिल रही जानकारी है उसके मुताबिक दुबई में महादेव ऐप मूटो की शादी में मशहूर हस्तियों को लाने में यही कंपनी शामिल थी। सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि सौरभ चंद्राकर ने महादेव ऐप के नाम उर्फ ऐप की बात की जाए तो उर्दू में इसका नाम रखा था, जिसके तहत वो पाकिस्तान में बेटिंग ऐप भी चलाता था। ईडी को जांच में यह पता चला है कि साल 2021 में सौरभ चंद्राकर और उसका साथी रवि उप्पल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के संरक्षण और समर्थन के साथ पाकिस्तान में बेटिंग ऐप उसने लॉन्च की थी और वहां पर भी इस ऐप का इस्तेमाल वो किया करता था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।